हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ गाइस। काफ़ी दिनों बाद हम और आप मिल रहे हैं। बहुत सारी बातें हैं जो आपसे करनी भी है, तो चलिए वीडियो में बने रहिएगा। यहाँ पे आटा जो है मेरा ख़त्म हो गया, तो वही मैं भी डब्बे में ढल के रख रही हूँ। अब आगे सुबह से मतलब अपना काम ही कर रही हूँ। वीडियो थोड़ा कम कम बना रही हूँ, तो बस तो अभी मैं जा रही हूँ ये चिकन बनाऊँगी। और ये वाला जो चिकन है इसको मैं रख दूँगी फ्रिज में। ये मैं कल नेक्स्ट डे बनाऊँगी, दूसरे अलग अलग फ्लेवर से बनाती हूँ। और ये वाला अभी बना लेती हूँ। तो चलिए फटाफट से जो भी काम है वो सारे निपटाते हैं। वीडियो देखिए बनाते हैं। यानी अंडे भी धुल के रखी हूँ, तो ये सीधे मैं नाइट में मिल रही हूँ। नाइट के टाइम मतलब लगभग 7 बजता होगा तब की क्लिप है। तो ये सारे सब्जी फ्रूट वेजिटेबल जो भी होते हैं ये सारे कुछ हस्बैंड जी एक ही साथ ला दिए थे। ये सारा स्टोर करना है। और मेरा जो अभी टाइम चल रहा है गाइस, अब ये लास्ट 9वां मंथ है ये मेरा। और गाइस इस टाइम ये सारे काम करना, अभी मैं नीचे बैठ के ये सब कुछ कर रही हूँ। लास्ट टाइम में बहुत मतलब बहुत कोई आपका हेल्पिंग हैंड नहीं हो, बहुत सारे प्रॉब्लम होती है, ये सब मैं आज आपको इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो में बने रहिएगा। कैसे कैसे मैं कैसे कैसे हर चीज़ हैंडल करती हूँ। देखिए मेरी बड़ी वाली सुमैया जो है बेटी, वो मेरा हेल्प करती है थोड़ा थोड़ा सब कुछ निकालने में। और ये सब फ्रिज में ले जाके मैं देती हूँ डब्बे में डाल डाल के अच्छे से स्टोर करके। तो पहले का जो भी चीज़ है वो उसको अलग कर देती हूँ, जो भी फ्रेश आया है उसको मैं अभी फ्रिज में ऐसे लगा दूँगी। पहले वाला ऊपर करके नींबू रखती हूँ ताकि वो पहले यूज हो जाए। तो अभी यही सब मैं कर रही हूँ। और काफ़ी सारे काम है, रोटी भी बनाना, ये सब कुछ सेट करके धुल के साफ़ करके अभी सब कुछ क्लीन करूँगी। जो वेजिटेबल ख़राब होने वाले हैं उसको जल्दी कट कर लूँगी, ताकि मतलब ऐसे फ्रिज में रख दो ना तो ख़राब हो जाता है बहुत जल्दी। तो इसको थोड़ा सा सेट करके रखेंगे तो आपका लंबे टाइम तक चलता है। मिर्ची के डंठे तोड़ने हैं, मटर छीलने हैं, सेम भी आया है। और ये बिस्किट है, ये चाय से आजकल मुझे ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं तो यही वाला मैं मंगा ली हूँ। और ऐसे थोड़ा टमी भी आपका फुल हो जाता है। तो चलिए, और ये बर्गर बन है तो इसको भी मैं दूध वगैरह में ज़्यादा यूज़ करती हूँ, बाकी बर्गर भी बना लेती हूँ कभी कभी। और ये फ्रिज में टोमेटो भी पड़ा हुआ, और भी टोमेटो आ गया है, तो ये सब सेट करना होगा, अलग अलग करके रखना होगा। पहले ये टोमेटो यूज़ हो, बाद में दूसरे वाले यूज़ हो, इस टाइप का मैं करके सब सेट करके रखती हूँ। तो बस यही सब अभी कर रही हूँ। और मतलब बहुत ज़्यादा उस दिन, और मतलब लग रहा था ना ऐसा ये सब मैं छोड़ दूँ और जाके रेस्ट कर लूँ, पर फिर भी करना है। तो चलिए करते हैं सब। और ये ब्लू वाला जो डब्बा है ये सासू माँ लाई थी मेरी, तो एक मुझे दिए, 3 का सेट था तो वो एक मुझे दिए, मुझे भी इसमें का मंगाना है। तो चलिए ये सब कुछ मैं भी फटाफट से सेट कर रही हूँ कैसे कैसे। और साग भी काफ़ी ज़्यादा हस्बैंड जी ला दिए थे, 2 kg साग लाए थे। मतलब 2 जन में 2 kg साग कोई लाता भी नहीं होगा। अब मैं पालक मंगाई थी, उसको उसका प्यूरे बना के रखूँगी, तो देखती हूँ आज हो पाएगा तो, नहीं तो कल बनाऊँगी। तो एक पालक है और एक के इसका भी नाम पालक ही है, दूसरे का भी मतलब वो दूसरे टाइप का पालक है। अब पता नहीं आप लोगों को शायद पता होगा तो बता दीजिएगा, मुझे नाम ही याद नहीं रहता है साग का सच में। हाँ पालक थड़िया कुछ ऐसे करके नाम है उसका शायद। हाँ। तो चलिए गाइस मैं ये सब कुछ निपटाती हूँ। सब्जियाँ काफ़ी सारी, आलू प्याज भी आ गया तो सब रखना है। अभी सेम को मैं ऐसे साफ़ कर दे रही हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है अगर ऐसे रख दूँगी तो कल तक ये ख़राब हो जाएंगे। और साथ में मूंग दाल भी भिगा दी हूँ, टोमेटो भी धुल के रख दी हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है ना ये सारा कुछ मतलब हम करके रेडी करके रख देते हैं, ऐसे सब्जियाँ कट कर दिए हैं, धनिया को साफ़ कर दिए हैं, मैं मिर्ची का डंठल तोड़ दिए हैं, टोमेटो को धुल के रख दिए। तो इस तरह से काम करके रखने से ना किचन में मुझे लगता है आपके कुकिंग के टाइम का जो टाइम है ना बच जाता है। तो आप जल्दी से खाना वाना बना के मतलब बना बना सकते हैं इस तरह से। तो इस तरह से करने से मुझे बहुत इजी लगता है। थोड़ा सा टाइम निकाल के एक दिन में 1-2 घंटा निकालेंगे तो आपका हफ्ता दिन बिल्कुल आराम से बिना टेंशन फ्री आप इस तरह से अपना सारा काम जो है निपटा सकते हैं। मिर्ची का डंठल भी तोड़ ली हूँ और बस इसको भी मैं डब्बे में एक पेपर डाल दी हूँ, आप टिश्यू पेपर भी डाल सकते हैं, मैं न्यूज़पेपर ही अभी डाल दे रही हूँ, जो है वही यूज़ कर लें, ऐसा नहीं है कि नहीं है तो नहीं डालेंगे। तो इससे जो होता है ना, जो भी मतलब फ्रिज में रखने से मॉइस्चर बनता है पानी इसमें, तो इससे मिर्ची बहुत जल्दी सड़ सकता है या धनिया वगैरह। तो इस तरह से रखने से जो पेपर होता है ना वो एक्स्ट्रा पानी जो भी मिर्ची में रहता है मतलब हो जाता है फ्रिज में रखने से,
तो वो पेपर जो है एग्जॉर्ब कर लेगा। तो ऐसे मैं करके रखती हूँ। बाकी जो मिर्ची बच गए हैं तो इस वाले डब्बे में डाल देती हूँ। 2-3 डब्बे में मैं मिर्ची तो स्टोर करती ही हूँ, और पहले का भी मिर्ची रखा हुआ है फ्रिज में भी। और ये चुकंदर जो मैं कट कर ली हूँ सुबह के लिए, सुबह में जूस बनाने के लिए, तो इसी वक्त मैं ये सब कर ली हूँ। तो इस तरह से मेरा काम जो है बहुत ईजी हो जाता है गाइज। तो आप भी चाहें तो ऐसे कर सकते हैं। अभी ये गुआबा मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, ऐसे डेकोरेट करके मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे बच्चे जो है मेरी हेल्प कर रहे हैं मटर छीलने में। साइड से आपको छोटे बेबी की आवाज़ भी आती होगी। तभी रिकॉर्डिंग मैं कर रही हूँ गाइस। जी हाँ, डिलीवरी जो है हो गई है मेरी। आप लोग पूछ रहे थे, बहुत लोग परेशान हैं, तो जी हाँ हो गई है। वीडियो आपको सारे मिलेंगे बैक टू बैक। तो मैं अभी बैक हो गई हूँ, अपने काम पे फोकस करूँगी। और यहाँ पे रात में मैं रोटियाँ बना रही हूँ। मिलती हूँ सुबह आपको। तो गाइस दोपहर में ही मैं दही जमा के रखी हूँ, और दही के लिए जोरन था नहीं तो देवरानी से नीचे मांगी, तो वो भी, उनके पास भी दही नहीं था, उनके पास भी जोरन ही था। तो बोली कि आप पहले अपना दही जमा लीजिएगा तो फिर मेरे लिए जोरन भेज दीजिएगा। तो वही मैं निकाल के भेज रही हूँ। तो मेरा दही जो है जम चुका है। ठंड में मतलब 4 से 5 घंटे में दही जम जाता है पॉट में, बहुत ही अच्छा। और यहाँ पे जो बर्तन वगैरह थे थोड़े बहुत मैं धुल रही हूँ, धुलती भी रहती हूँ, अपना काम भी किचन का निपटाती रहती हूँ। ये बच्चे जो हैं खाएंगे वो दूध रोटी रात में, तो बस उनके लिए बस मैं दूध निकाल रही हूँ। तो बस यही सब जो काम है सारे निपटा उपटा के, क्लीन वगैरह किचन करके, तभी मैं सोने के लिए जाती हूँ गाइस अभी। तो इस तरह से करके धीरे धीरे अपने सारे काम निपटाती हूँ। इंसान जो है ना, इंसान मतलब हर तरह के इंसान, जेंट्स हो चाहे लेडीज हो, चाहे जिस भी मतलब हाल में हो, आपको काम करना ही रहता है। ये है नेक्स्ट मॉर्निंग, और आज की मॉर्निंग बहुत ही अच्छी वाली है। और वीडियो जो है बहुत ही आगे, आज आज जो मतलब दिन जो चालू हुआ है तो ये बहुत ही अच्छा है, और आप लोगों के लिए भी बहुत अच्छा होगा, मेरे लिए भी बहुत अच्छा होगा। क्योंकि कोई गेस्ट आ रहे हैं, और कौन गेस्ट आ रहे हैं वो तो आपको थंबनेल वगैरह में देख के पता चल ही गया होगा। तो जी ही चलिए, सस्पेंस रखते नहीं हैं। मम्मी पापा आ रहे हैं मुझसे मिलने के लिए, तो क्योंकि अब लास्ट मंथ चल रहा था इसलिए मम्मी सोची अपनी बेटी से मिल के चलूँ। और यहाँ पे सारे तरह के जो भी मेरे घर में दाल है, मूंग दाल, रहर दाल, चना दाल, मिक्स दाल, मतलब 5-6 तरह के दाल है, वो सब मिक्स करके मैं अभी दाल बनाने वाली हूँ, मिक्स दाल। और ये दाल में मैं डालूँगी पालक, क्योंकि आप लोग रात में देखे ही थे कितने सारे वेजिटेबल आए हैं, तो सारे वेजिटेबल को ख़त्म भी करने हैं। तो वैसे भी मम्मी बोली थी मतलब सिंपल वाला ही खाना, ज़्यादा वो सब खाना बनाने के लिए नहीं, मम्मी तो मना ही कर दी थी, पर फिर भी कोई भी आपके घर आता है तो आप तो खाना वगैरह बनाएंगे ही, तो इसीलिए मैं ये सब बना रही हूँ। और तो यहाँ पे मैं भी पालक ऐड कर दी हूँ, तो देख सकते हैं 1/2 kg पालक है हमारा, तो वो सब ऐड कर देंगे। और बाकी 1/2 kg पालक मैं रख दी हूँ, उसका प्यूरी बनाऊँगी। और एक और साग जो था जो मैं बताई थी, वो भी पालक ही एक तरह का, तो उसको भी मैं यूज़ करूँगी। यार कुकर का हैंडल जो है मेरा टूट गया है गाइस, तो इसको बहुत जल्द सही करवाना होगा नहीं तो ये वर्क नहीं करेगा। तो यहाँ पे अदरक और मिर्ची मैं इसको रफली चॉप चॉप मीन्स मतलब ऐसे मिक्सी में बस पल्स पल्स करके आप इसको चला लेंगे तो बहुत ही रफली चॉप टाइप का हो जाता है, बारीक चॉप हो जाता है बस। और थोड़ा सा 1 चम्मच जीरा इसमें ऐड करेंगे, बस इसको चला लेंगे।
तो गाइस यहाँ पे ये है मूंग दाल जो मैं सोप करके रात में रखी थी। मैं तो ऐसे सोप कर रही थी इसका अंकुरित बनाने के लिए, तो मैं सोच रही हूँ इसका पकौड़े मैं क्यों ना मैं कर देती हूँ, क्योंकि सिंपल खाना है तो पकौड़े वगैरह भी होना चाहिए। तो इसमें मैं लहसुन अदरक और मिर्ची ये ऐड कर दूँगी, तो देख सकते हैं। और इसको मैं अच्छे से पीस लूँगी, थोड़ा सा अलग कर दी हूँ। ये छिलके वाले मूंग दाल है गाइस, तो बस इसको हम निकाल लेंगे और इसके हम पकौड़े बनाएंगे। बहुत सिंपल, जो आप रात में देखे थे मूली आया था, मूली के पत्ते थे काफ़ी फ्रेश थे, तो उसको भी यूज़ करेंगे। तो जो भी चीज़ें मैं सारी चीज़ें यूज़ करती हूँ, कुछ भी वेस्ट नहीं करती हूँ। और लहसुन का पेस्ट ऐसे ख़त्म नहीं हुआ था, पर मैं इसको बना के डब्बे में भर के रख देती हूँ ना, तो ऐसा लगता है ना मेरा टेंशन ख़त्म हो गया बिल्कुल भी। और मैं निकाल के यहाँ थोड़ा सा रख ले रही हूँ, क्योंकि मुझे चिकन भी बनाना है। तो हस्बैंड जी चिकन भी ला दिए हैं कि नहीं, मतलब कुछ गोश्त वगैरह होना चाहिए। वैसे हमारे यहाँ तो मतलब सिंपल दाल चावल साग ये सब तो बनेगा ही, मतलब उस पर गोश्त भी चाहिए होता है। तो चलिए इसको हम चला लिए हैं, जो मैं बताई थी मिर्ची और लहसुन जो भी था, नहीं अदरक मिर्ची और ये ज़ीरा, तो ये हम दाल में डालेंगे। तो ये दाल मतलब जो होता है ना, वो क्या बोलते हैं, और दाल में तड़का लगाने के लिए प्याज और तेज़पत्ता का मैं तड़का लगा रही हूँ। तो ये हमारा बन गया दलसग्गा, हमारे यहाँ इसको दलसग्गा बोलते हैं। तो ये घी में मैं तड़का लगा दी हूँ प्याज तेज़पत्ता का, तो हमारा दाल बहुत ही यम्मी सा रेडी हो गया है। आप भी ट्राई करेंगे, सिंपल वाला दाल है, ज़्यादा मसाले मैं इसमें ऐड कुछ भी नहीं की हूँ, तो सिंपल वाला हमारा दाल है। तो यहाँ पर मैं और छोटी को मम्मी पहले से ही भेज दी है, जो मेरी साइड में वो हेल्प कर रही है काफ़ी देर से। तो गाइस तो इस तरह से करके मेरा काम जो है जल्दी जल्दी निपट रहा है, क्योंकि बहुत अब मतलब बहुत प्रॉब्लम हो रही है मुझे सब कुछ करने में, फिर भी मैं कर रही हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं कर रही हूँ। तो यहाँ पे दाल को मैं अच्छे से फेंट ली हूँ, मिक्स कर ली हूँ, और ये मूली के सारे पत्ते हैं फ्रेश वाले बिल्कुल हैं गाइस, तो इसको वेस्ट क्यों करना। और ये हेल्दी हेल्दी चीज़ें खाना भी अभी बहुत सही है, और आप लोग भी खा सकते हैं। तो ऐसा नहीं है ये पकौड़े कुछ कड़वे लगेंगे, मूली के पत्ते हैं तो ऐसा नहीं है, बहुत टेस्टी बने थे गाइस। आप भी ट्राई करिएगा, गरम गरम पकौड़े तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो इसमें सॉल्ट में डाल दी हूँ जल्दी से, पत्ते जो हमारे गल के नीचे चले जाएं। हल्दी और मिर्ची मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ, तो ज़्यादा मसाले नहीं करेंगे, सिंपल ही बनाएंगे। और ये थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर डाली हूँ, और ये थोड़ा सा प्याज मैं कट करके छोटी सारा रखी है, सारा कुछ प्याज सब कुछ जो भी करके दे रही है कटिंग चॉपिंग, वो सब छोटी ही कर रही है सुबह से, मतलब आ गई है, मतलब 10 से 11 बजे से वो आ गई है मेरे साथ, हेल्प कर रही है, साग वगैरह सब कुछ कट की है, सब कर रही है अपना धीरे धीरे। और मैं भी यहाँ पे बस सब कुछ रेडी कर रही हूँ, मम्मी पापा आए नहीं आते हैं तो आपको दिखाते हैं जो भी है। और यहाँ फटाफट से मैं चिकन भी इधर प्याज गलने के लिए रख दे रही हूँ, क्योंकि चिकन के प्याज जो फ्राई होते हैं तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है, इस वजह से प्याज भी मैं अभी डाल दी हूँ, और ये अपना गलता रहेगा। और यहाँ पे छोटी साग धुल रही है, इसको भी बॉयल करना होगा। और ये साग का नाम था गाइस पता नहीं, मुझे नाम ही साग का याद नहीं रहता है। तो यहाँ पे छोटी जो है साग धुल रही है, और यहाँ पे प्याज जो है फ्राई हो गया है, तो इसमें हम चिकन ऐड कर दे रहे हैं। तो फटाफट से बनाएंगे, और भी कोई गेस्ट आए हैं तो वो मैं आपको कैमरे में नहीं बताने वाली हूँ कौन से गेस्ट हैं, क्योंकि आप लोग बहुत जल्दी सबसे मिलेंगे धीरे धीरे, तो धीरे धीरे सारे कुछ बताऊंगी, एक साथ नहीं बताऊंगी। तो कुछ स्पेशल ही गेस्ट हैं, नए गेस्ट हैं जो आज आए हैं हमारे घर पहली बार, तो इसीलिए आगे आपको पता चलेगा, अभी तो मैं नहीं बताने वाली क्योंकि रिवील नहीं करूंगी, क्योंकि आगे सब कुछ आपको धीरे धीरे सब कुछ पता चलेगा। ब्लॉग में बने रहिएगा, ब्लॉग बहुत ही आगे तक इंटरेस्टिंग है, और आगे भी हमारे साथ जुड़े रहिएगा गाइस, क्योंकि अभी बैक टू बैक बहुत सारे ब्लॉग आपको मिलने वाले हैं, और मुझे वीडियो एडिट करके डालना ही डालना है आप लोगों को, क्योंकि मोबाइल में जो है अभी स्पेस लग रहा है जैसे बचा ही नहीं है, बहुत सारे वीडियो हो गए हैं। इतने दिन तक मैं छुट्टी ले ली थी ना गाइस, तो इस वजह से छुट्टी लेने की वजह से मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है मोबाइल को, मतलब अभी इसको जल्दी जल्दी सारे वीडियो अपलोड करनी होंगे। वहाँ पे साग को है छोटी, उसको कूट पीट दी है, तो यहाँ प्याज और मिर्ची का तड़का बन गया है, और साग को हम तड़का लगा देंगे। एक साइड में हमारा चिकन बन रहा है, एक साइड में साग बन रहा है, दाल भी बन गया है, और इंडक्शन पर राइस वगैरह भी बन रहे हैं, तो वो अपना छोटी देख लेगी। और यहाँ पे बस चिकन और प्याज हमारा फ्राई हो गया है, तो इसमें लहसुन हम डालेंगे, लहसुन का पेस्ट, और अदरक भी मैं इसमें चला ली थी,
तो अदरक लहसुन का ये पेस्ट हो गया जो हम इसमें ऐड कर दिए हैं। चिकन हमारा 1.5 केजी, तो काफ़ी सारा चिकन है तो पकने में भी थोड़ा टाइम लगता है। ज़्यादा चीज़ें रहती हैं तो ज़्यादा टाइम लगता है, कम चीज़ें रहती हैं तो कम टाइम लगता है। तो इसको अच्छे से हम इसको पकने दे रहे हैं। फ्राई हो गया है अच्छे से, लहसुन भी पक गया, लहसुन अदरक का पेस्ट, प्याज भी फ्राई हो गया, चिकन भी हो गया। तो इसमें हम मसाले सारे डाल लेंगे सूखे वाले, जैसे कि हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, ज़ीरा पाउडर, काली मिर्च का पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, और आप चाहें तो इसमें चिकन मसाला या मटन मसाला भी ऐड कर सकते हैं। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, तो वो आपके ऊपर है, डिपेंड करता है आप डालें या ना डालें। और बस इसमें बाद में हम दही भी ऐड करेंगे, तो दही डालने से चिकन बहुत ही टेस्टी बन जाता है गाइस, बहुत ही अंदर तक जूसी बनता है, फ्लेवरफुल। बहुत लोग हार्ड चिकन खाते हैं, हम लोग को ऐसे हार्ड चिकन पसंद नहीं, सॉफ्ट सॉफ्ट चिकन पसंद है। तो यहाँ पे गरम मसाला वगैरह सब मैं डाल दी हूँ, सारे मसाले धीरे धीरे ऐड कर रही हूँ और मिक्स भी कर रही हूँ। चिकन बहुत बड़े साइज में हस्बैंड जी कटिंग करवा लिए थे, बहुत मतलब टाइम थोड़ा लग जाता है। और मम्मी पापा जो है आ गए हैं, वो नीचे हैं, तो जो गेस्ट आए हैं ना नीचे, तो उन्हीं से वो मिल रहे हैं, कुछ काम था। तो चलिए गाइस, यहाँ पे चिली फ्लेक्स भी मैं थोड़ा ऐड कर दी हूँ, आप चाहें तो डालें या ना डालें। कुटी हुई लाल मिर्च जो होती है बेसिकली वही है वो, तो बस इसको भी हम मिक्स करेंगे और धीरे धीरे इसको पकने देंगे, भूनते भी जाएंगे और मसाले भी हम ऐड करते जाएंगे। तो इस तरह से चिकन जो हमारा जल्दी से पक जाएगा, और इसमें मैं दही भी डालूंगी कि चिकन हमारा जल्दी से गल भी जाए। और मैं वैसे चिकन में हमेशा रेगुलर दही ऐड करती हूँ, और कुछ खड़े गरम मसाले भी ऐड कर दी हूँ। पीसने का टाइम मुझे बिल्कुल भी नहीं था, इसीलिए मैं जैसे कि शाही ज़ीरा, दालचीनी, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, चकली फूल जो है ये, स्टार अनियन, ये भी डाल दी हूँ। और बस इसको अच्छे से हम भूनते भी जाएंगे और बस सारे मसाले वगैरह भी ऐड करते जाएंगे। अब इसमें हम दही ऐड करेंगे, तो दही तो मैं कल ही जमा ली थी, सारी तैयारी मैं कल ही कर ली थी गाइस। तो मैं ऐसे तैयारी करके रखती हूँ, कोई भी गेस्ट आने, ऐसे भी मेरे किचन में सब कुछ आपको रेडी ही ज़्यादातर मिलता है, जैसे प्याज छील के रखना, मिर्ची के डंठल तोड़ के रखना, टोमेटो धुल के रखना, ये सब छोटे मोटे जो काम है ये सब मैं करती हूँ, लहसुन छील के रखना या लहसुन का पेस्ट बना के रखना, ये सब कर लेने से बहुत आपका टाइम बच जाता है किचन में। कुकिंग के टाइम में आपका जो टाइम है ना बहुत बच जाता है, और आपका जो कुक खाना बनता है बहुत जल्दी बनता है। इसमें सॉल्ट चेक करके मैं ऐड कर दी हूँ, यहाँ पर सैलड वगैरह भी छोटी जो है वो अपना छील के कट वगैरह कर लेगी, तो सारा कटिंग, चॉपिंग और बर्तन धुलने का सारा काम छोटी का है, तो वो सब अपना सब जल्दी जल्दी निपटा रही है फटाफट से। तो गाइस वीडियो में बने रहिएगा, पकोड़े भी मैं थोड़ी देर में भी तलती हूँ तो आपको दिखाती हूँ, बहुत टेस्टी पकोड़े बने थे वैसे, आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं, बहुत टेस्टी पकौड़े बने थे। और यहाँ पर देखिए गाइस, सब कुछ रूम वगैरह सेट कर दी हूँ, पूरी क्लीनिंग हो गई, झाड़ू पोछा ये सब कुछ मैं कर दी हूँ। तो बस देखिए टाइम जो है 2:30 बज गया, काफ़ी लेट मम्मी हो गई हैं, ठीक है। तो सारा कुछ सेट हो गया, घर वगैरह सेट रहता है तो बहुत ही अच्छा लगता है, वैसे घर हमेशा सेट ही रखना चाहिए, इससे आपको भी बहुत अच्छा लगता है, आपका भी घर के अंदर दिल लगता है, काम करने में बहुत ही इजी रहता है। किचन जैसे क्लीन रहता है तो हमें मतलब किचन में काम करना अच्छा लगता है, वैसे घर भी सेट होना चाहिए। और यहाँ पर मम्मी जो है आ गई हैं, अली मिल गए, हाँ चल जाइए, नानी कब आएंगी, नानी कब उस्मान के लिए, और हाँ हवा लग जाएगा, हवा लग जाएगा। मतलब नानी के आते के साथ सब सामान खुल गया, क्या आया है नानी, आई सामान आया है, है दुकान लगा है दुकान। अली तुम क्या कर रहे हैं, मिठाई के चक्कर में है, उस दिन भी मामा लाए थे मिठाई, मम्मी मिठाई हमको नहीं दे रही है छोटी नाना। मम्मी पापा और छोटा वाला मेरा भाई वो लोग भी आए हैं, तो वो लोग नीचे हैं अभी। और यहाँ पे देखिए गाइस, जो दुकान जो है बच्चे लोग का सेट हो गया है, अभी आपको जो चाहिए वो मांग लीजिएगा। और तो बस बच्चे लोग खाने पीने की चीज़ें, और यहाँ पे छोटी बोली आज मैं पकौड़े तलती हूँ, तो छोटी ही पकौड़े तल रही है, तो चलिए ठीक है फटाफट से वो अपना तल लेगी। जब तक मम्मी से मैं थोड़ी बहुत बातें वगैरह कर लूँगी, बातें क्या, टाइम ही नहीं मिलता है किचन से ही, सच में कोई भी अगर गेस्ट आता है ना तो आप किचन में ही ज़्यादा, ऐसे तो मैं सब कुछ बना चुकी हूँ फिर भी टाइम नहीं मिल पाता है, ऐसा आप लोग के भी साथ होता है क्या,
मतलब कोई भी गेस्ट आया बस आप किचन में ही लगे रह गए, तो ऐसे मैं जल्दी से सब कुछ बना लेती हूँ, निपटा लेती हूँ। और बहुत ही क्रिस्पी क्रिस्पी पकौड़े बने थे गाइस, आप लोग भी इसको ट्राई ज़रूर करिएगा, मेरे कहने पे बहुत टेस्टी बनते हैं। हरे मूंग दाल जो खड़ा मूंग दाल जो होता है ना उसका पकौड़ा, और ये पकौड़ा बहुत टेस्टी बना था गाइस, और गर्मा गर्म तो बहुत अच्छा। तो फटाफट से अभी मैं मम्मी को बोली थोड़ा खाइए लो, बच्चे भी खाएंगे जब तक पापा नीचे हैं, वैसे भी टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया है। तो अभी मैं फटाफट से जल्दी से खाना वगैरह भी लगाऊंगी, क्योंकि खाना जब ठंडा हो जाता है तो फिर बेकार हो जाता है। और यहाँ छोटी को मैं बोल दी हूँ, वो अपना पापड़ भी निकाल रही है, और जो खाना नीचे गेस्ट आए उनके लिए भी निकल रहा है। पहले मैं नीचे भेज देती हूँ, उसके बाद से मम्मी पापा का जो खाना है लगाऊंगी। तो पापड़ वगैरह मैं तल रही हूँ, नीचे दो ही गेस्ट हैं, तो हमारे घर में वो नए मेंबर जुड़े हैं गाइस, तो आप समझ ही सकते हैं नए मेंबर हैं, तो यानी कि किसी का रिश्ता होने वाला है बहुत जल्दी। तो बस आपको सब कुछ धीरे धीरे अपडेट दूंगी। अभी चलिए फटाफट से मैं ये खाना नीचे भिजवाती हूँ, और उसके बाद से मम्मी पापा का भी खाना जो है मैं लगा दूंगी। यहाँ पे छोटी लगा रही है अभी पानी वगैरह, जो भी खाना वगैरह यहाँ भी लगने लगा है। तो ऐसे करके काम जो है हमारा निपट गया, और मेरी हालत जो है बहुत टायर्ड है। देखिए क्या क्या कैसे कैसे होता है अभी, मतलब क्या ना आजकल मुझे थोड़े बहुत पेन भी रहने लगे हैं, थोड़े बहुत पता नहीं झूठा पेन जो ऐसे बोलते हैं वैसे हो रहा है, तो उस टाइप का। तो वीडियो लेट है तो इसीलिए वीडियो वाली ही बातें करते हैं, क्योंकि आप लोगों को सारे अपडेट तो पता है नहीं, और मेरे जो अपने हैं उनको तो सारे अपडेट पता है। तो वीडियो लेट लेट थोड़ा आ रहा है गाइस, क्योंकि क्या ना आपको पता ही डिलीवरी तो अभी हो गई है, तो डिलीवरी होने के बाद थोड़ी टाइम तो चाहिए ही था मुझे, तो इस वजह से मुझे ये पता नहीं था कि ये जब वीडियो जाएगा तो मेरी डिलीवरी हो गई होगी। तो इस तरह से अभी तो मतलब जब ये वीडियो मतलब जब बना रही हूँ तभी तो मेरा लास्ट एकदम लास्ट मंथ जो है समझिए 10 दिन ही टाइम है डिलीवरी में। तो यहाँ पे मैं और छोटी हम लोग भी यहाँ पे खाना खा रहे हैं, मम्मी पापा का जो खाना है लग गया है, वो लोग खा लिए हैं, अभी रेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं और छोटी तो दाल सग्गा बनाता, आलू का चोखा भी बनाता, चटनी बनाता, सैलेड, राइस और चिकन, ये सब गाइस सिंपल वाला खाना, बहुत टेस्टी और हेल्दी खाना। साथ में वो जो बन था बर्गर बन वो भी हम लोग लिए थे केक, तो वैसे गोश्त के साथ नान बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे छोटी अब खाना खाने के बाद सारे बर्तन धुल देगी, क्योंकि उसको भी अब जाना ही होगा घर, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है, 3, 3:30, 4 बजे तक वो घर चली जाएगी, थोड़ी देर में वो भी घर चली जाएगी, इसलिए सारे बर्तन धुल के जा रही है कि मुझे आराम रहे, मुझे फिर बर्तन ना धुलना पड़े। तो यहाँ पे मैं फ्रूट वगैरह जो है कट कर रही थी बैठ के, तो यहाँ पे एप्पल, गुआवा और ऑरेंज है वो सब मैं कट कर दूँगी, और थोड़े बहुत चाट मसाला इस पर स्प्रिंकल करके हम लोग खाएँगे फ्रूट। ऐसे लास्ट मतलब प्रेगनेंसी के लास्ट टाइम में फ्रूट खाने नहीं चाहिए, ठंडा होता है, वैसे भी ठंड है। तो अभी तो ठंड जो है बिल्कुल जा चुका है, जब की वीडियो है तो उस वक्त ठंड था, अच्छा खासा ठंड था, काफ़ी ठंड था। तो बस गाइस यहाँ पे मम्मी, छोटी, मैं, हम लोग बातें कर रहे हैं और खा भी रहे हैं, और तो ऐसे करके कुछ हमारा दिन जो है आज का ख़त्म होगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो वीडियो अभी आगे भी है तो आप लोग देखिए, एंजॉय करिए। थोड़ी देर में अभी छोटी भी निकल रही है, अभी घर जाने के लिए वो रेडी हो गई है, तो अब घर जा रही है। बोल रहे हैं आप अल्लाह हाफिज, बाय बाय, बोल दो छोटी खाला को, हाँ बाय छोटी, छोटी बाय करो। सो गाइस देवरानी नहीं थी अभी स्कूल से, वो भी लौटी हैं, तो मम्मी से मिलने आई हैं। अली बाबू बहुत परेशान करते हैं, उनको मोबाइल चाहिए बार बार, और यहाँ हस्बैंड जी खाना नहीं खाए थे, अभी मगरिब के बाद का टाइम है तो हस्बैंड जी भी खाना खा रहे हैं। अभी मैं स्वीट में से सबको हिस्से लगा के नीचे भेजूंगी, और फिर चाय वगैरह बनाई हूँ पापा मम्मी के लिए। Thank you.
पापा जो है अभी घर जा रहे हैं, उसके बाद मम्मी जाएंगी। बच्चे जो है नाटक कर रहे हैं कि नानी घर नहीं जाइए, आज यहीं रह जाइए, तो यही सब चल रहा है अभी। चलो हम लेके आगे बैठा लो, जैकेट लो, लो है लीजिए, लीजिए बैठ जाएगी तो बैठ जाना। हाँ ठीक है, ठीक है जा रहे हैं। हाँ सलाम है मम्मी, अल्लाह हाफिज। नीचे हम नहीं है, आप चल रही है। सो गाइस, तो अभी मम्मी भी जा रही हैं, हस्बैंड जी लेके जाएंगे, और पापा तो जा चुके हैं पहले, बच्चे भी सारे जा रहे हैं, तो बस उसके बाद से अभी नाइट में मुझे रोटियां वगैरह भी बनानी हैं। अली वही है नानी के घर। तो आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा? मम्मी को बहुत डिफिकल्ट होता है ये बाइक पे बैठना, ठीक है, ठंड काफ़ी ज़्यादा, जो जो हवा भी चल रही है, तो ये सब लोग छोड़ के जब भी आते हैं लौट के, तो फिर मैं रोटियां बनाती हूँ, लाइट भी कट गई थी। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ मेरे लिए दुआ भी ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, ठीक है, अल्लाह हाफिज़।